तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भाई सबके परिवार में सब ठीक होंगे। और आज मैं कम से कम भी नहीं तो कब मैंने लास्ट टाइम व्लॉग किया था, आज मैं 10 दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। और देखते हैं, आज है फूड व्लॉग। मैं आपको सब्जी बनानी सिखाऊंगी, जो है भाई मेरी फेवरेट सब्जी। देखते रहिएगा आप बस। तो भाई चलो चलते हैं रसोई में, चलो। और भाई मैं बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि भाई गर्मी है और जो बिल्कुल सिंपल तरीका होगा, ना ज़्यादा मिर्च तेज ना और कुछ, भाई वो सिखाएंगे तो क्या आप सभी को आता होगा वैसे भी, बट मैं फिर भी दिखाऊंगी और आपको देखना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, कस गया है हमारा चिकन और कट चुकी है प्याज। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो मसाला है ये पक चुका है, इसका तेल अलग हो गया। ठीक है, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसको हम पानी मिला के मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अभी मसाला कुछ ऐसा दिख रहा है और अब हम इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है इसके अंदर कलर के लिए। अब इसको मिक्स कर देंगे। तो भाई अब हम ये चिकन इसके अंदर डाल देंगे मसाले के, क्योंकि मसाला हमारा पूरा पक चुका है। तो भाई लो, और अब हम इसको ढक के पका देंगे। कस तो चुका है ये, मतलब 80% ये पक चुका है और अब हमें बस 20% और पकाना है मसाले में। फुल कर देंगे और ये फिर कुछ ऐसे पकने लगेगा। तो भाई ऐसे 2 मिनट खुला पकाने के बाद अब इसको लो, इसको हम ढक देते हैं, हमारी प्लेट में उसको लो कर देंगे। तो भाई अभी कुछ ये इतनी सब्जी बनी है और मैं चेक कर लेती हूँ ये कितनी पक्की। तो भाई सब्जी पूरी अच्छे तरीके से पक चुकी है। चलो लास्ट में डालते हैं थोड़ा, आधी चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया बहुत सारा गार्निशिंग के लिए। तो भाई अब हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो चलो भाई इसको ढक देते हैं। तो भाई कुछ ये बनी है सब्जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और
आप भी बनाइए, खाइए और मजे लीजिए रेसिपी बाय इशिता। बिल्कुल सिंपल सोबर सा मीट और वाह एक नंबर के मजे आ जाएंगे। और कैसी लगी आपको वीडियो मेरे को लाइक करके बताना, कमेंट कर लाइक कर देना, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका मन करे आप बनाइए खाइए और जान है खुदी कर लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। ओके बाय।